नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसे विश्व के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट स्थित है और यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था, जो कलिंग नामक राज्य के शासक थे। यह मंदिर चालुक्य शासन काल में बनवाया गया था और उस समय यह पूरा मंदिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक थे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईसा पूर्व था। इस मंदिर का निर्माण उस समय के स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, मंदिर का नाम कोणार्क इसलिए भी पड़ा है क्योंकि इसे देखने के लिए जब आप मंदिर के समीप आना जाते हो तो आप एक कोने में होते हैं जहां सूर्य अपने पहलू को दिखाता है। इस मंदिर को सूर्य देव के लिए इसलिए समर्पित किया गया है क्योंकि भगवान सूर्य को हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी संरचना में संगमरमर और कढ़ाई पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। इस मंदिर में सौर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथपुरी के भव्य महल का भी दर्शन किया जा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की विविध छवियां बनी हुई है अलग अलग नक्शियों के रूप में। इस मंदिर की विशेषता मंदिरों के विभिन्न भागों में स्थित है। यह मंदिर त्रिकुट पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है और इसके तीन भाग सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देवताओं को समर्पित है। मंदिर के आंगन में स्थित नट मंडप और जगमोहन मंडप को अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। नट मंडप में ताल पर नृत्य करने वाले नृत्य शिल्पी की प्रतिमा है, जो मंदिर के सुंदरता को और भी बढ़ाती है। मंदिर का विशाल गोपुरम भी इस मंदिर की विशेषताओं में से एक है। इसके अंदर बने स्तंभों पर आकृतियों का अद्भुत संग्रह है, जो मंदिर के साथ एकता बनाए रखता है। इस मंदिर के नाम का अर्थ है कोनों में रखा सूर्य का मंदिर। इसकी संरचना इतनी विस्तृत है कि इसे देखने के लिए कम से कम एक दिन की जरूरत होती है। इस मंदिर की विशेषता इसकी भव्य और अद्भुत संरचना है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बता देना और हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सीरीज को देखना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।